हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हो, ये वीडियो हमारे ऑनलाइन कोर्स का एक डेमो लेक्चर है। आप अगर 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर चाहते हैं कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? फाइन एवरीवन, ठीक है। सो नाउ हम लोग ने जैसे चैप्टर नंबर 3A स्टार्ट किया था, विच इज अबाउट डिमांड एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने डिमांड का मीनिंग, डिमांड की डेफिनेशंस, इसके बाद डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल में हम लोग ने इंडिविजुअल डिमांड का कॉन्सेप्ट और मार्केट डिमांड का कॉन्सेप्ट और इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के शेड्यूल्स, उनके कर्व, ये सारी बातें हमने डिस्कस की है। उसके साथ ही साथ हमने जो पिछला लेक्चर में डिस्कस किया था, वो सारे रीजंस हमने डिस्कस किए थे जो इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि डिमांड कर्व का स्लोप ये डाउनवर्ड क्यों होता है। करेक्ट है? सो डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होने के रीजंस क्या है, वो भी हमने अभी तक के लेक्चर में कवर कर लिए हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है, वो डिस्कशन टॉपिक के लिए आपको पेज नंबर 19 पे आना होगा। तो पेज नंबर 19 उसी चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन इज टाइप्स ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड मतलब डिमांड के प्रकार, डिमांड के अलग अलग टाइप्स को यहां पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब बच्चों, ये जो डिमांड के टाइप है, ये डिमांड के टाइप डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी पे, मतलब नेचर ऑफ गुड्स पे। क्या है कि हर टाइप के गुड्स का नेचर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कमोडिटी, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गुड्स, डिमांड को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। करेक्ट है यहां तक? तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि डिमांड का मतलब क्या है, वो तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि डिमांड मीन्स वॉट। सो डिमांड इज वॉट, इकोनॉमिक सेंस में अगर हम देखें, सो डिमांड इज अ डिजायर फॉर ए कमोडिटी। सबसे पहली बात, डिमांड क्या है बच्चों? किसी भी कमोडिटी की आपको सबसे पहले क्या रखनी पड़ती है? इच्छा। यू मस्ट हैव अ डिजायर फॉर अ कमोडिटी। जब तक आपके पास कमोडिटी को पाने की इच्छा नहीं होगी, डिजायर नहीं होगी, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट कमोडिटी। आप उस कमोडिटी को तब तक पा नहीं सकते, वो कमोडिटी आपके पास तब तक आ नहीं सकती। सो फर्स्ट इज अ डिजायर फॉर अ कमोडिटी यू मस्ट हैव। देन वी ऑलवेज एंड देन वी ऑल्सो हैव एबिलिटी टू पे इट्स प्राइस। जिस कमोडिटी की आप इच्छा कर रहे हो, उस कमोडिटी की इच्छा करने से वो कमोडिटी आपको नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ आपके पास उतने पैसे होने चाहिए, यू मस्ट हैव दैट परचेजिंग पावर कैपेसिटी, यू मस्ट हैव टू परचेज दैट कमोडिटी। सो यू हैव एबिलिटी टू पे, तो आपके पास पेमेंट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। एंड विद द एबिलिटी, एबिलिटी के साथ साथ यू ऑल्सो हैव, आपके पास होना चाहिए बच्चों विलिंगनेस टू पे, मतलब आपके पास जो पैसे है उस पैसे को पे करने की इच्छा शक्ति भी आपके मन में होनी चाहिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि किसी गुड्स की मैं इच्छा करता हूँ, उस गुड्स को खरीदने के पैसे भी मेरे पास है, लेकिन इस पैसे को उस गुड्स पे मैं खर्च करूं, ये मेरी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि इस गुड्स के ऊपर अगर मैंने पैसे खर्च कर दिए तो मेरी और भी इम्पोर्टेंट वॉन्ट्स है जो मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। तो समटाइम ऐसा होता है कि किसी कमोडिटी की आप इच्छा करते हो, उस कमोडिटी को खरीदने के पैसे भी आपके पास होते हैं, बट वो पैसे आप उस कमोडिटी को खरीदने के पीछे खर्च नहीं कर सकते, बिकॉज यू ऑल्सो हैव अदर वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई, क्योंकि आपके पास उस कमोडिटी को परचेस करने के अलावा और भी वॉन्ट्स है। करेक्ट है यहां तक? तो स्टूडेंट्स, ये तीन चीजें जब आपके पास आ जाएंगी, ये तीन चीजें जब आपके पास कंबाइन हो जाएंगी, तब जाके आपका क्या फुलफिल होगा बच्चों? डिमांड। तब आप किसी कमोडिटी की डिमांड को कंप्लीट कर पाओगे, और ऐसी डिमांड को हम लोग कहेंगे इफेक्टिव डिमांड, जब आपके पास ये तीन चीजें एट द सेम टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। करेक्ट है? चलिए अब हम डिस्कस करेंगे डिमांड के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। करेक्ट है? तो डिमांड के टाइप में सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट डिमांड। यस, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि डिमांड का सबसे पहला टाइप क्या बच्चों? डायरेक्ट डिमांड।
नाउ डायरेक्ट डिमांड मतलब क्या? डायरेक्ट डिमांड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो डिमांड के टाइप्स है ये कमोडिटी के नेचर के नेचर पर डिपेंड करते हैं कि हर कमोडिटी के नेचर के मुताबिक उसकी डिमांड का प्रकार यहां पर बनाया गया है, जिसमें पहला डिमांड आपका डायरेक्ट डिमांड है। तो डायरेक्ट डिमांड का मतलब हुआ द डिमांड बाय कंज्यूमर। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि डायरेक्ट डिमांड करने वाला कौन है बच्चों, तो डायरेक्ट डिमांड इज मेड बाय कंज्यूमर। ये दो बातें याद रखना कि डायरेक्ट डिमांड इज मेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कौन? आप और हम। कौन है हम लोग? कंज्यूमर। व्हाई वी आर कंज्यूमर? बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वी आर कंज्यूमिंग समथिंग। हम लोग कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते ही करते हैं। अभी मैंने कपड़े पहन रखे हैं तो आई एम कंज्यूमिंग दिस क्लोथ, आई एम कंज्यूमिंग दिस शर्ट, आई एम यूजिंग दिस मार्कर, अगेन आई एम कंज्यूमिंग दिस मार्कर, आई एम यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, सो आई एम द कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वॉट एवर थिंग यू विल कंज्यूम, जो भी चीजें आप यूज करते हो वो सभी चीजें यूज करना मतलब कंजम्पशन करना, और जो कंजम्पशन करता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कंज्यूमर। तो आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो यू आर द कंज्यूमर ऑफ मोबाइल। हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वी आर द कंज्यूमर ऑफ इंटरनेट। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर मतलब हम ही लोगों को क्या कहा जाएगा? कंज्यूमर। बिकॉज वी आर द पर्सन हु आर कंज्यूमिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई अवर वॉन्ट्स। करेक्ट है? तो यहां पर डायरेक्ट डिमांड करने वाला कौन है बच्चों? कंज्यूमर। और एक कंज्यूमर डिमांड करेगा किस चीज की? तो ये कंज्यूमर डिमांड करेगा कंज्यूमर गुड्स की। किसकी डिमांड करेगा? कंज्यूमर गुड्स की। ऑफ कोर्स सर अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करेगा। बच्चों ये कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब कंज्यूमर मार्केट से कोई भी चीज अगर खरीदेगा तो उसको सीधे क्या करेगा बच्चों? यूज करेगा। आप होटल में गए, आपने खाना ऑर्डर किया, आपने खाना खा लिया। आप कपड़े के शोरूम में गए, आपने कपड़े पसंद किए, आपने कपड़े यूज कर लिए। करेक्ट है ना? आप स्टेशनरी में गए, आपने नोटबुक लिया, आपने नोटबुक यूज किया। तो यहां पर कंज्यूमर के द्वारा जिस गुड्स की डिमांड की जा रही है वो गुड्स कंज्यूमर के वांट को डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रही है। तो जो गुड्स कंज्यूमर की वॉन्ट्स को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देगी ऐसे गुड्स को, ऐसी डिमांड को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट डिमांड। करेक्ट है यहां तक? तो डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर, द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर गुड्स विच गिव अ डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। मतलब जो गुड्स कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देंगे ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, या ऐसी डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डायरेक्ट डिमांड। गुड्स कौन से होने चाहिए? कंज्यूमर गुड्स होने चाहिए। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। और ये कंज्यूमर गुड्स क्या करता है? कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इस गुड्स से कंज्यूमर कुछ डिराइव नहीं करेगा, ये गुड्स सीधे खरीदेगा, परचेस करेगा और सीधे क्या करेगा? उसको यूज करेगा। करेक्ट है यहां तक? ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंट नंबर वन में आइए, उसको रीड करते हैं। यस, इट इज द डिमांड बाय कंज्यूमर। सबसे पहली बात याद रखना कि यहां पर डिमांड कौन कर रहा है बच्चों? कंज्यूमर कर रहा है फॉर गुड्स। गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। कौन से गुड्स की डिमांड यहां पर कंज्यूमर कर रहा है? ऐसे गुड्स की डिमांड कर रहा है जो गुड्स उसकी वांट को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी। देखो उसमें लिखा है विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। जो गुड्स कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देगा, ऐसे गुड्स की डिमांड जब होती है तो उस डिमांड को कहा जाता है डायरेक्ट डिमांड। करेक्ट है? आगे बढ़िए। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। आगे लिखा है कि ये ऐसे गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, एंड दस इट इज द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर गुड्स। इसलिए यहां पर जो डिमांड हो रही है वो कौन से गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स है, जिसको कंज्यूमर के द्वारा डिमांड किया जा रहा है फॉर गेटिंग अ डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन को पाने के लिए। करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर कंज्यूमर के द्वारा डिमांड क्या किया गया बच्चों? क्लोथ, शुगर, पेन, ठीक है ना, नोटबुक, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये सब कंज्यूमर के द्वारा डिमांड किया जा रहा है कंजम्पशन पर्पस के लिए, जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट डिमांड, जिसमें ऐसे गुड्स आएंगे जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट है यहां तक? यस। तो ये आपका हुआ बच्चों फर्स्ट टाइप ऑफ डिमांड।
लेट्स मूव टूवर्ड द सेकेंड टाइप ऑफ डिमांड, दूसरे टाइप के डिमांड पे जाते हैं, एंड सेकेंड टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट डिमांड। ना बच्चों, इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या? तो डायरेक्ट डिमांड में कौन सी गुड्स है बच्चों? कंज्यूमर गुड्स है, करेक्ट है। उसी प्रकार से इनडायरेक्ट डिमांड में कौन से टाइप के गुड्स आएंगे सर? तो इसमें याद रखिएगा, इनडायरेक्ट गुड्स, इनडायरेक्ट डिमांड में यहां पर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स आएंगे। कौन से गुड्स आएंगे? प्रोड्यूसर गुड्स आएंगे, जिनको यहां पर कैपिटल गुड्स भी कहा जा सकता है। नाउ प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स का मतलब सर क्या होता है? ऐसे गुड्स की बात मैं कर रहा हूं जो गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा डिमांड की जा रही है। पॉइंट नंबर वन कि प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स, मतलब द गुड्स विच इज डिमांडेड बाय प्रोड्यूसर। और ये गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा डिमांड क्यों की जा रही है? तो फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग फर्दर प्रोडक्शन। मतलब यहां पर प्रोड्यूसर ने कोई मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी या कुछ वर्कर्स को अगर समझो डिमांड किया है, तो वर्कर्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी ये सब यहां पर प्रोड्यूसर डिमांड क्यों कर रहा है? क्योंकि इन्हीं की मदद से प्रोड्यूसर यहां पर कुछ तो प्रोडक्शन करेगा, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से यहां पर कुछ तो नया प्रोड्यूस किया जाएगा। तो बच्चों याद रखिए, ध्यान रखिए कि यहां पर ऐसे गुड्स की डिमांड की जा रही है जिस गुड्स का इस्तेमाल फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, करेक्ट है, वो सभी यहां पर लैंड की डिमांड करते हैं, लेबर की डिमांड करते हैं, कैपिटल की डिमांड करते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स की डिमांड यहां पर प्रोड्यूसर क्यों करता है? तो फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रोडक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करने के लिए यहां पर प्रोड्यूसर के द्वारा जिस भी गुड्स की डिमांड की जा रही है वो सारे गुड्स की डिमांड को कहेंगे इनडायरेक्ट डिमांड। तो सर ये इनडायरेक्ट डिमांड क्यों? जैसे यहां पर तो आपने कहा कि जो गुड्स कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देंगे उसे आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट डिमांड। और यहां पर हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट डिमांड में क्या बोल रहा हूं मैं, कि यहां पर जो कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर के द्वारा वर्कर्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी की डिमांड की जा रही है, ये सारी चीजें प्रोड्यूसर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देने वाले नहीं है। एक प्रोड्यूसर के फैक्ट्री में वर्कर आ गए, मशीनरी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गए, तो ये सारी चीजें उस प्रोड्यूसर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। इन सभी की मदद से जो गुड्स, जो सर्विस यहां पर प्रोड्यूसर बनाएगा, उस गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, न कि वर्कर से, टेक्नोलॉजी से, मशीनरी से, कैपिटल से डायरेक्ट को सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है। उनकी मदद से जो गुड्स बनेगा, उनकी मदद से जो प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन यहां पर प्रोड्यूसर को सेटिस्फाई करेगा, न कि ये सारे वर्कर्स, लेबर, करेक्ट है ना, या फिर मशीनरी या फिर कैपिटल प्रोड्यूसर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट डिमांड, करेक्ट है। चलिए आइए, तो सिंपल सी बात याद रखना कि कोई भी प्रोड्यूसर अगर किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी रिसोर्सेज की डिमांड अगर कर रहा है और उस चीज की डिमांड को करने के पीछे उसका मेन पर्पज है फर्दर प्रोडक्शन का, तो ऐसे ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स की डिमांड को हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट डिमांड, क्योंकि ये सारे गुड्स प्रोड्यूसर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे। इनकी मदद से जो भी गुड्स बनेगा, इनकी मदद से जो भी सेवाएं प्रोवाइड की जाएंगी, वो सेवाएं, वो गुड्स यहां पर सेटिस्फेक्शन देंगी, ये सब जो रिसोर्सेस है ये सब प्रोड्यूसर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पे, यस। तो इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब यहां पर लिखा है कि दैट इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि इनडायरेक्ट डिमांड को यहां पर कहा जाता है बच्चों डिराइव डिमांड। यस, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज क्या बच्चों? डिराइव डिमांड। वाई डिराइव डिमांड? बिकॉज यहां पर जिस फैक्टर की डिमांड प्रोड्यूसर कर रहा है वो सारे फैक्टर से हम कुछ तो डिराइव करेंगे, इन सभी फैक्टर की मदद से हम कुछ तो बनाएंगे, कुछ तो प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए यहां पर डिमांड को क्या कहा जा रहा है? डिराइव डिमांड। मतलब यहां पर जो भी लेबर, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, कैपिटल की डिमांड प्रोड्यूसर कर रहा है, क्यों कर रहा है? इन सभी की मदद से प्रोड्यूसर कुछ तो डिराइव करना चाहता है, इन सभी की मदद से प्रोड्यूसर कुछ तो प्रोड्यूस करना चाहता है, इसलिए इन सभी रिसोर्सेस की डिमांड को क्या कहा जाएगा? डिराइव डिमांड। और ये सारी कमोडिटियां प्रोड्यूसर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगी, इसलिए इनको इनडायरेक्ट डिमांड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द डिमांड, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेकेंड पॉइंट।
इट रेफर्स टू डिमांड फॉर अ गुड्स, यहां पर ऐसे गुड्स की डिमांड की जाती है विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो गुड्स का यहां पर जरूरत है प्रोडक्शन करने के लिए, तर प्रोडक्शन करण्यासाठी ज्या वस्तूंची डिमांड इथे केली जाते त्या सर्व वस्तूंच्या डिमांडला, त्या सर्व वस्तूंच्या मागणीला आपण काय म्हणतो, इनडायरेक्ट डिमांड म्हणतो. करेक्ट आहे. पुढे जाऊया. इट इज द डिमांड फॉर अ प्रोड्यूसर गुड्स. सिंपल, यहां पर ये जो गुड्स की हम बात कर रहे हैं जिनकी मदद से हम कुछ ना कुछ डिराइव करेंगे, जिनकी मदद से हम कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सारे गुड्स को कौन डिमांड कर रहा है? प्रोड्यूसर. इसलिए इस गुड्स को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोड्यूसर गुड्स. डायरेक्ट डिमांड में गुड्स की डिमांड कौन कर रहा था? कंज्यूमर. इसलिए वहां पर कौन सा गुड्स था? कंज्यूमर गुड्स था. यहां पर ये सारे रिसोर्सेस की डिमांड कर रहा है? प्रोड्यूसर. दैट्स व्हाई दिस गुड्स आर नोन एज अ प्रोड्यूसर गुड्स. यस, हेयर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मेक इट अंडरलाइन देयर बच्चे लोग, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि यहां पर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नीडेड. इन सबकी डिमांड अगर प्रोड्यूसर ने की है, इन सबकी डिमांड अगर एंटरप्रेन्योर ने की है, तो इन सभी की डिमांड यहां पर फर्दर प्रोडक्शन के लिए की गई है. इन सबकी डिमांड यहां पर कुछ ना कुछ तो डिराइव करने के लिए की गई है. इसलिए सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को, कम ऑन, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को हम लोग डिराइव डिमांड कहेंगे, इनडायरेक्ट डिमांड कहेंगे. करेक्ट यहां तक? ठीक है. फॉर एग्जांपल, यहां पर प्रोड्यूसर अगर डिमांड कर रहा है वर्कर की इन अ शुगर फैक्ट्री, अगेन वर्कर की डिमांड यहां पर क्यों की जा रही है? वर्कर को फैक्ट्री में क्यों बुलाया जा रहा है? क्यों यहां पर प्रोड्यूसर वर्कर की डिमांड को कर रहा है? क्योंकि वर्कर की मदद से यहां पर शुगर का प्रोडक्शन किया जाएगा, वर्कर की मदद से यहां पर कुछ तो डिराइव किया जाएगा. दैट्स व्हाई डिमांड फॉर अ वर्कर, डिमांड फॉर अ वर्कर, डिमांड फॉर अ मशीनरी, डिमांड फॉर अ टेक्नोलॉजी, दिस ऑल टाइप्स ऑफ डिमांड आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट डिमांड. क्योंकि यहां पर ये सारी वस्तुएं कुछ तो डिराइव करने के लिए, कुछ तो प्रोड्यूस करने के लिए डिमांड की जा रही है, इसलिए इनकी डिमांड को क्या कहा जाएगा? डिराइव डिमांड. और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट डिमांड. करेक्ट है यहां तक? चलिए बच्चों, याद रखना यहां पे. नेक्स्ट पॉइंट में आइए. टाइप नंबर 3, थर्ड टाइप की डिमांड को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जिसको यहां पर जॉइंट डिमांड भी कहा जा सकता है. सिंपल सी बात है. सर, यहां पर कौन से टाइप का गुड्स आएगा? बताता हूं, डोंट वरी. कॉम्प्लीमेंट्री, जॉइंट, ये वर्ड आपको सुनकर क्या लग रहा है कि यहां पर जो गुड्स आने वाला है वो गुड्स ऐसे गुड्स होंगे, बात को मेरे ध्यान से सुनना, कि यहां पर एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट एवरीवन क्लियरली, एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब हमें दो या दो से ज्यादा गुड्स की डिमांड होती है, याद रहे वांट कितनी सेटिस्फाई होगी? एक. तो फॉर सेटिस्फाइंग अ सिंगल वांट, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू और मोर गुड्स, सो दैट टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज अ जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. क्योंकि यहां पर एक पर्पस के लिए, एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो गुड्स या दो से ज्यादा गुड्स एक ही समय पर डिमांड किए जाएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड. सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं. इफ आई वॉन्ट टू राइट ऑन अ बोर्ड, अगर मुझे बोर्ड पे लिखना है, तो बोर्ड पे लिखने के लिए आई हैव अ रिक्वायरमेंट फॉर मार्कर, एंड नॉट ओनली मार्कर आई रिक्वायर्ड, एट द सेम टाइम आई हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ, क्या बच्चों? इंक. गेटिंग द पॉइंट ऑर नॉट? तो मार्कर भी चाहिए, इंक भी चाहिए, ये दोनों साथ में चाहिए. तो बताओ हमारी कितनी वांट है? एक. क्या? बोर्ड पे लिखने की. उस बोर्ड पे लिखने की एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मार्कर भी चाहिए और इंक भी चाहिए. तो बताओ डिमांड फॉर मार्कर एंड इंक यहां पर एक साथ की जा रही है. तो जब एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो या दो से ज्यादा गुड्स की डिमांड की जाती है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड. अगर समझो मुझे मुंबई से नागपुर जाना है, करेक्ट है? अगर मुझे मुंबई से नागपुर ट्रेवल करना है, इफ आई हैव अ कार, अगर मेरे पास कार है, तो कार अकेले मुझे नागपुर नहीं पहुंचा देगी.
करेक्ट है, कार में, कार के साथ मेरे पास फ्यूल भी होना चाहिए, मेरे पास पेट्रोल होना चाहिए, मेरे पास डीजल होना चाहिए, तो गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो यहां पर कार के साथ फ्यूल भी चाहिए, तब आप मुंबई से नागपुर की जर्नी पूरी कर पाओगे। तो यहां पर बच्चों सिंपल सी बात है कि जब एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो या दो से ज्यादा गुड्स की डिमांड की जाती है, तो ऐसे टाइप की डिमांड को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या फिर क्या, जॉइंट डिमांड। अगर बच्चों समझो हमें चाय बनाना है, सो फॉर मेकिंग टी, टी बनाना, दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई सिंगल वांट। Now for satisfying this want, एक चाय बनाने की डिमांड को फुलफिल करने के लिए I have a requirement of multiple things. Getting the point? And that should be at the same time. वो सारी चीजें मुझे एक ही समय पर चाहिए। अगर जिस समय मैं कार यूज कर रहा हूँ उसी समय पेट्रोल भी मुझे यूज करना होगा, जिस समय मैं पेन यूज कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे इंक भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जॉइंट प्रोडक्ट है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, वो एकत्र यूज किए जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो चाय को बनाने के लिए आई हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट, लाइक आई हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, मिल्क, शुगर, टी पाउडर, जिंजर, गैस सिलेंडर। तो गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब दो या दो से ज्यादा गुड्स की डिमांड एक ही साथ की जाती है, तो ऐसे डिमांड को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री या फिर क्या, जॉइंट डिमांड। आइए ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों पेज नंबर अभी आप लोग 20 पे आ जाइए। यस एवरीबॉडी कम ऑन द पेज नंबर 20 प्लीज। ओके नाउ पेज नंबर 20 पे आप देख सकते हैं, वहां पे क्लियर लिखा है कि व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली, जब दो या दो से ज्यादा गुड्स की डिमांड जॉइंटली की जाती है, यस टू सेटिस्फाई ए सिंगल वांट, एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब दो या दो से ज्यादा टाइप के गुड्स की डिमांड की जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री या फिर जॉइंट डिमांड। यस इट इज नोन एज अ जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फॉर एग्जाम्पल कार अगर चाहिए तो कार के साथ आपको फ्यूल भी यूज करना है, तो अगेन यहां पर एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मुंबई से नागपुर जाने के लिए कार के साथ फ्यूल भी होना चाहिए, एंड दैट शुड बी डिमांडेड कलेक्टिवली, और वो दोनों की डिमांड यहां पर एकत्र होती है, जॉइंट होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की डिमांड क्या है? तो नेक्स्ट टाइप की डिमांड है बच्चों कंपोजिट डिमांड। सर यहां पर कौन से टाइप के गुड्स होते हैं? बताता हूं, चिंता मत करो। कंपोजिट डिमांड मतलब क्या बच्चों? कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है कि यहां पर ऐसे टाइप ऑफ गुड्स की डिमांड हम कर रहे हैं जो गुड्स मल्टीपर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। गुड्स कितना रहेगा बच्चों? एक, बट उस एक गुड्स का इस्तेमाल मल्टीपर्पज के लिए किया जाएगा। करेक्ट है ना? वस्तु एकच असेल पण त्या वस्तूचा वापर एकापेक्षा जास्त कामासाठी केला जाईल, अशा प्रकारच्या वस्तूंची मागणी, अशा प्रकारच्या गुड्सची मागणी म्हणजे कंपोजिट डिमांड। ऐसे टाइप के गुड्स की डिमांड को क्या बोलेंगे? कंपोजिट डिमांड। सिंपल एग्जाम्पल वॉटर। ना वॉटर इज डिमांडेड, ठीक है ना, एंड दैट शुड बी यूज फॉर अ मल्टीपर्पज। वॉटर का इस्तेमाल हमारे घर में या बिजनेस में अलग अलग कामों के लिए होता है। इट कैन बी यूज फॉर वॉशिंग, गेटिंग द पॉइंट, इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, इट कैन बी यूज फॉर कुकिंग, इट कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग। सो अगेन एक कमोडिटी अलग अलग वांट को सेटिस्फाई कर रही है। अगेन इलेक्ट्रिसिटी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कंपोजिट डिमांड, जिसका इस्तेमाल एक ही समय पर वी कैन यूज फॉर लाइटिंग, वी कैन यूज फॉर हीटिंग, वी कैन यूज फॉर कूलिंग, वी कैन यूज द इलेक्ट्रिसिटी फॉर कुकिंग ऑल्सो। सो देयर आर नंबर ऑफ यूजेस आर देयर ऑफ अ वन प्रोडक्ट, एंड सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपोजिट डिमांड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सो द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट, यहां पर ऐसे कमोडिटी की डिमांड की जा रही है जिसको यहां पर पुट मतलब यूज किया जाता है टू सेवरल यूजेस, अलग अलग कामों के लिए, इज नोन एज अ कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस सच एज अ लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। बहुत से एग्जाम्पल, आपके घर में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलाई जाती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है एक ही चीज, बस उसका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जा रहा है, सो दैट विल बी कमिंग अंडर द टाइप ऑफ कंपोजिट डिमांड। यस देर इज अ वन मोर टाइप ऑफ डिमांड इज देयर, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पिटिटिव डिमांड।
ना बच्चों कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव वर्ड मतलब क्या है, जहां पर कॉम्पिटिशन लगा है। और याद रहे कि कॉम्पिटिशन हमेशा ऐसे प्रोडक्ट में होता है जहां पर मार्केट में एक प्रोडक्ट के जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, करेक्ट है। सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट इन नेचर, मतलब यहां पर ऐसे गुड्स की बात करेंगे जिस गुड्स का मार्केट में बहुत सारा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जो गुड्स एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं वॉन्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टी अगर नहीं है तो वी कैन यूज कॉफी, गेटिंग द पॉइंट। और चाय नहीं है तो कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से वी कैन ऑल्सो हैव अ मल्टीपल सब्स्टिट्यूट गुड्स, लाइक अगर हमारे पास कोलगेट नहीं है तो वी कैन यूज द पेप्सोडेंट। तो यहां पर ऐसे गुड्स की डिमांड की जा रही है जो गुड्स एक दूसरे के जैसे हैं, जो गुड्स एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं, और इनको कॉम्पिटिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका मार्केट में कॉम्पिटिशन है, करेक्ट है ना। कस्टमर जाता है, समझो उसने कोलगेट की प्राइस पूछी, तो कोलगेट की प्राइस या कोलगेट का टेस्ट अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उसके कॉम्पिटिशन में अगर उसको समझो पतंजलि का पसंद आया या फिर पेप्सोडेंट का पसंद आया, करेक्ट है ना, या इसके अलावा कोई हर्बल प्रोडक्ट पसंद आया, तो अगेन यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट का काम एक ही यूज है, लेकिन इन सबके बीच में क्या बच्चों कॉम्पिटिशन है कि कस्टमर इनमें से किसको सेलेक्ट करेगा, कस्टमर इसमें से कौन सा परचेस करेगा। तो ये सारे ऐसे गुड्स हैं विच आर सब्स्टिट्यूट इन नेचर, जिस गुड्स को एक दूसरे की जगह पर यूज किया जा सकता है, तो ऐसे टाइप ऑफ गुड्स की डिमांड को कहते हैं हम लोग क्या, कॉम्पिटिटिव डिमांड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सो बच्चों ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर 5 है, इट इज अ डिमांड फॉर दोज गुड्स, यहां पर हम डिमांड कर रहे हैं ऐसे टाइप ऑफ गुड्स का जो गुड्स सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, जो गुड्स एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं, जो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, शुगर और जैगरी, मतलब जैगरी मतलब गुड़, ठीक है ना, शुगर नहीं है तो गुड़ से इस्तेमाल किया जा सकता है, गुड़ नहीं तो शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे गुड्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है जिसको एक दूसरे की जगह पर यूज किया जाता है, और ऐसे टाइप ऑफ गुड्स की डिमांड को हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड, करेक्ट नहीं आता बच्चों। तो यहां पर हम लोगों ने वो टाइप्स ऑफ डिमांड वाला जो क्वेश्चन है वो यहां पर पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के डिमांड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गुड्स की हमने डिमांड की। डायरेक्ट डिमांड में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड की जाती है जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देती है। इनडायरेक्ट डिमांड में हमने प्रोड्यूसर गुड्स की बात की जिसका इस्तेमाल फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जिसका इस्तेमाल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। देन कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, जहां पर एक ही वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो या दो से ज्यादा वस्तुएं डिमांड की जाती है। इसके बाद में कंपोजिट डिमांड, जहां पर ऐसे गुड्स की डिमांड की जा रही है जो गुड्स मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मिल्क का एग्जांपल आप ले सकते हो क्योंकि मिल्क से भी कई सारी वस्तुएं बनाई जाती है। देन कॉम्पिटिटिव डिमांड, जहां पर ऑल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आर डिमांडेड। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड खत्म, समझ में आपको आ गया प्रॉपर तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगेन आपके उसी पेज पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो अगला क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे, दिस इज आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर क्या ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए नहीं बोला मैं, इसके ऊपर आपका अगला जो सबसे कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमांड, वो पूरी तरह से इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। आई बस समझ में, तो ये क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है आपका अगला क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल भी आपको काचकिट नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन परफेक्टली, करेक्ट है ना। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये टाइप्स ऑफ डिमांड तो आपको बहुत ही आसान लगा होगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर ना बच्चों इनके बीच में डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है, यस, किसी भी दो डिमांड के बीच में क्या पूछते हैं, डिस्टिंग्विश पूछते हैं, तो आपको उसका मीनिंग उसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, करेक्ट है, तो आप उस डिस्टिंग्विश को आसानी से लिख सकते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं यह हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स का एक डेमो लेक्चर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 12th स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स के ऑल चैप्टर्स आपको इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले, तो उसके लिए तुरंत आप लोग प्ले स्टोर से हमारे अजीत एकेडमी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप लोगों को ये सारे वीडियो कोर्सेस हम लोग बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, जो कॉस्ट आप सोच भी नहीं सकते उतने कम कॉस्ट में हमें वीडियो कोर्सेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं।